हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपकी बुक। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपने अपनी क्लास में देखा होगा, आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग्स बोलते हो अटेंडेंस, तो उसमें क्या होता है, पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले नाम आते हैं, डी वाले, ई वाले, इस तरह से चलते हैं। तो उसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला जाता है कि नेम्स अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट अल्फाबेट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेम को अरेंज करना क्या कहलाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले आयुष है तो ए से शुरू हो रहा है तो ए का नाम आएगा, फिर भूमिका, फिर डी से दिवांशु, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब आपके सामने कुछ यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, उनको सेट करना है कि मैं कैसे सेट करूं कि सबसे पहले कौन सा नाम आएगा। अब इसमें देखिए, जी एच एस ये है माउथ ऑर्गन, एम एस एफ टी डी एस एक्स, तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, डी वाला। अब डी वाला एक ही है जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, डी में, डी के जो शुरू हो रही है स्पेलिंग वो एक ही नाम आ रहा है आपका, ड्रम्स। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ड्रम्स। अब उसके बाद में देखिए, डी के बाद में ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है यहाँ पे। जी के सिर्फ एक ही स्पेलिंग है, जी पर गिटार, उसके बाद में कोई स्पेलिंग नहीं है, तो मुझे दो नंबर पे क्या आएगा मेरा, गिटार, जी यू आई टी ए आर, गिटार। उसके बाद में एच, हारमोनियम, एक ही नाम है तो नंबर थ्री, हारमोनियम, हारमोनियम। उसके बाद में एच के बाद में आई होता है, तो आई पे यहाँ पे कुछ नहीं है, जे पे कुछ नहीं है, सॉरी एक एफ रह गया, फ्लूट। तो ये कहाँ जाएगा, डी और जी के बीच में, तो दो नंबर पे क्या रहेगा हमारा, फ्लूट। तो यहाँ पे दो नंबर पे आएगा हमारा फ्लूट। उसके बाद में तीन नंबर पे जाएगा आपका गिटार, और फोर नंबर पे जाएगा आपका हारमोनियम। इस प्रकार से ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट हो रहे हैं। अब एच के बाद में आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम भी नहीं है, एम है माउथ ऑर्गन, तो ये रहेगा आपके फाइव नंबर पर, माउथ ऑर्गन। उसके बाद में सिक्स नंबर, एम के बाद में एन नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस है। अब एस पे देखिए, आपके तीन है, सैक्साफोन, सरोद और सितार। अब सबके पहला अक्षर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस के अब हमें दूसरा अक्षर कंपेयर करना पड़ेगा। अब दूसरा अक्षर इनमें से, यहां देखिए ई है, यहाँ ए है और यहाँ आई है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो जो छह नंबर पे चला जाएगा वो चला जाएगा सरोद, सरोद बोलते हैं। सेवन नंबर पे, अब देखो ए के बाद में आई तो आता नहीं, उससे पहले क्या आता है, ई आता है, तो मैं दूसरा नंबर देख रहा हूं अब स्पेलिंग्स का, दूसरा अक्षर, दूसरा डिजिट देखेंगे, जब हमारा पहला डिजिट सेम हो तो हम दूसरा डिजिट देखेंगे, अगर बाई चांस कहीं दूसरा भी सेम होता है तो वहां तीसरा देखा जाएगा, तो जो पहले आएगा वो पहले आएगा। अब देखिए सैक्सोफोन, ये आपका आएगा सेवन नंबर पे, और उसके बाद में है सितार, आई, तो सितार जाएगा आपका आठ नंबर पे। उसके बाद में आपके बाद में टी है, तबला या तबला, ये जाएगा नाइन पे, और लास्ट में एक्स, जाइलोफोन। इस प्रकार से आपको सेट करने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखिए बहुत इजी, आपको एबीसीडी आती है, ए टू जेड 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले क्या आता है, बीच में कहाँ आता है, तो एक दो बार करोगे तो अपने आप इसका रिवीजन हो जाएगा। इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बी और सी नंबर में देखिए क्या करना है। सी नंबर कह रहा है कि टिक द वर्ड्स इन विच द लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए पहला लिखा हुआ है बेल, पहला क्या लिखा हुआ है, बेल। अब देखिए सबसे पहले बी होता है एबीसीडी में, अगर बी से मानना, बी से स्पेलिंग शुरू हो रही है तो बी हो रहा है, उसके बाद में ई है तो ई है होता है, उसके बाद ही आता है, एल भी उसके बाद आता है, तो ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो इसके आगे हमें क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद में लिखा हुआ है देखिए स्कूल, अब स्कूल में एस, एस यहां आ गया हमारे पास।
अब एस से बाद में सी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता सी, तो हमारा यही हमें पता चल गया कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स नहीं है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करना है। आपका सी नंबर और डी नंबर में एक टेलीफोन डायरी अपने लिए बनाइए, जिसमें आप फ्यू पेजेस हैं, आपके ए बी सी डी लिखा हुआ होता है, तो ए से ए नाम पहले, फिर बी नाम, फिर सी नाम। तो आपका फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।